जो देख रहे हैं ये लंबी बस स्टैंड है, ठीक है। इससे बड़ा जो है, जो जब लिखावा वाला है इससे बड़ा है, ठीक है। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये सब जितनी बसें लगी हुई हैं ये सब हुजाज कराम लोगों की बसें लगी हुई हैं, ठीक है। मैं हूं इंताफ, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टूर करने वाले हैं, यानी मस्जिदुल हरम के आजू बाजू में जो भी बस स्टैंड है हिजाज कराम लोगों को आने के लिए, उस बस स्टैंड की टूर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो तीन बस स्टैंड हमें पता है, अगर इसके अलावा आप लोगों को पता होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले सबसे पहले हम जाएंगे जबले काबा वाले बस स्टैंड पे, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे पास में ही है जबले काबा वाला बस स्टैंड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं जबले काबा वाले बस स्टैंड के पास, वहीं पे चल करके आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. चुके हैं बस स्टैंड के पास, आइए दिखाते हैं। ये जबले काबा ब्रिज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड के पास। मैं घुमा कर देखे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो देख रहे हैं ये लंबी बस स्टैंड है, ठीक है। अभी असर का टाइम होने वाला है, इसी वजह से अभी 4-5 दिन के बाद में काफ़ी भीड़ होने वाला है। ये बसें लगी हुई हैं, उतनी बसें नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी बसें हैं। आने वाला दिनों में यहाँ पे जगह नहीं रहता है इस स्टैंड में ही। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं हम इधर तक पहुँच गए हैं, अंदर पहुँच गए हैं, आप लोगों को क्लियर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो बस, ये जो जगह आप लोग खाली देख रहे हैं थोड़ी मोड़ी, ये आने वाले समय में ये जगह खाली नहीं रहता है, ये भर जाता है। अभी असर का टाइम होने वाला है, बसें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये देखिए आप, ये सब बस स्टैंड ही है। ये पहला बस स्टॉप जो था हमने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। ये बसें इधर से वहाँ तक लगी रहती हैं, आप लोग देख सकते हैं उधर तक लगी रहती हैं, ठीक है। ये बसें आ रही है इधर से, उधर आगे भी लगी रहती हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वो आगे वहाँ तक है, फिर उसके बाद में सपेटको का बस स्टैंड है, उसके बाद में टर्मिनल वन है जरवल बस स्टैंड, और इधर सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जबले काबा ब्रिज है। अभी गर्मी अच्छी खासी है, गर्मी भी काफ़ी है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये जो हमने बस स्टैंड दिखाया, हमने यहाँ से शुरू किया है, ये हमारे करीब है इसी वजह से। तो चलिए हम दूसरी बस स्टैंड में चलते हैं अजयाद के पास, ठीक है। बीच में भी आप लोगों से मैं मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे पीछे काफ़ी हिजाज कराम लोग जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में ही असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ क्लॉक टावर के बाजू में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यार फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड के बाजू में, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये ठीक है टर्मिनल 4 की बाजू में है, यानी कि जो गारेसूर जाने के लिए 5 नंबर बस पकड़ते हैं उसके बाजू में है, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टॉप है, ठीक है। इससे बड़ा जो है, जो जबले काबा वाला है इससे बड़ा है, ठीक है। इन सबसे बड़ा है ये गज्जा के पास, गज्जा जो ओवरब्रिज है वहाँ पर बड़ा है सबसे, जो जबले काबा में है जो बस स्टैंड ये उससे छोटा है, ठीक है। इधर भी आप लोग देख सकते हैं, इधर बसें वगैरह लगी हुई हैं। तो गाइस यार ये हमने जो दिखाया ये दूसरा हमारा बस स्टॉप है, ये मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा बस स्टैंड है, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर ये टर्मिनल 4 है, वो जो फ्री वाला बस चलती है उसका स्टॉप है, इसमें आए भी लगा के रखा है लोग बस लोग, ठीक है। जैसे जैसे आगे आ जाएगा सामने वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ की सूरत हाल। तो गाय जी यार यहाँ का जो बताना था, दिखाना था बस के बारे में जानकारी थी वो हमने दिया। तो चलिए अब गाजा की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ के बस स्टैंड काफ़ी लंबी है, फिर उधर जा कर के इन सब के बारे में जिक्र वगैरह करेंगे। तो गाय जी यार हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता गाजा के तरफ, ठीक है। वहाँ जाएंगे और चल करके वहाँ के बारे में बात करेंगे। अभी गर्मी भी है, आहिस्ता आहिस्ता हवा भी चल रही है, यही मज़ा है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। A few moments later. तो गाइस जी यार मैं पहुंच चुका हूं गाजा कोबड़ी के पास, यानी मरवा बस स्टैंड के पास, ठीक है। मैं एक ब्रिज के ऊपर से खड़ा होकर के मैं आप लोगों को यहां की व्यू दिखाता हूं, ठीक है। तो आइए, यहां से अच्छी तरीके से कवर होगा इसी वजह से मैं यहां से दिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग वो देख सकते हैं
वो दिखाई दे रहा है वो सब पूरा बस स्टैंड है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, उधर जो है वो टर्मिनल 2 है, अलमरवा बस स्टैंड। ठीक है, फिर उसके बाद में वहाँ से पकड़ करके बसें यहाँ से फिर इधर तक, फिर इसके अंदर यानी यहाँ तक वो सब दिखाई दे रही हैं, लगी हुई हैं बसें। ठीक है, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये सब जितनी बसें लगी हुई हैं ये सब हुजाज कराम लोगों की बसें लगी हुई हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, हमने जो दिखाया जबलेकाबा बस स्टैंड, फिर उसके बाद में अजियाद बस स्टैंड, फिर ये गजा बस स्टैंड है। ठीक है, हिजाज कराम लोगों की, ये उन लोगों के लिए बसें लगी हुई हैं। अभी उतना भीड़ नहीं है तो चलिए हम नीचे चल करके आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर कोई बस स्टैंड छूट रहा है तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमें यही 3 बस स्टैंड की जानकारी है तो मैं इसकी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए नीचे चल करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस यार फाइनली मैं नीचे पहुँच गया हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये उधर आगे तक लगी हुई है, उधर आगे तक लगी हुई हैं, इधर लगी हुई हैं। ठीक है, फिर इधर भी लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी जा रहे हैं, ये गार्ड वगैरह का काम करते हैं, ये सऊदी हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।